तो मुंबई आने की खुशी में मैंने सोचा थोड़ी पानी पूरी खिला दी जाए. एंड जैसे यहाँ की पानी पूरी, वड़ा पाव, सब कुछ बहुत फेमस है. एंड झनक ने सोचा कि मुंह मीठा तो सब कराते हैं, तो मुंह तीखा करा देती हूँ. जी बिल्कुल, टच वुड, माशाल्लाह सबका बहुत ज़्यादा सहयोग है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे अच्छा कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है. एंड उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ऑडियंस है तो हम हैं. सो थैंक यू गाइज. झनक की जर्नी बहुत झनकी हुई सी है, झनकती रहती है. झनक कभी बोसा उसमें, कभी कश्मीर, तो कभी मुंबई. सो अभी मुंबई आ गई है वो एक्चुअल चमकने और झनकने. एंड बहुत सारा डांस देखने को मिलेगा आपको. एंड उसकी मेहनत, जर्नी, लगन, स्ट्रगल. एंड देखो, रुकावटें आएंगी, आना ज़रूरी है, वरना मज़ा नहीं आएगा. कि लास्ट में फल मिलता है तो इतना मीठा नहीं लगेगा वो फल, तो जर्नी खूबसूरत रहेगी, आई एम वेरी श्योर. जब मैंने साइन किया था तो आई वॉज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज जो मेकर्स हैं उन्होंने बहुत अमेजिंग बंगाली शोज बनाए हैं, और स्टार प्लस वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स. सो वाई नॉट, आई वुड वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट. एंड फिर ऊपर से आपका टाइटल रोल है, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियसली अम्यूजिंग, तो आप करना ही चाहेंगे. तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार थी, एंड आई वॉज वॉन्टिंग कि बस मस्त सा होना चाहिए और लोगों को पसंद आना चाहिए. एंड लकीली आई एम सो ग्लैड, बाय गॉड्स ग्रेस पीपल रियली डिड लाइक इट. बहुत सारे आते हैं, मतलब वो हर एक चीज़, मतलब हर एक सेकेंड में जितना झनक ने जो रिएक्शन दिए, बहुत प्यारे प्यारे फैंस हैं बेचारे. आई एम श्योर वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. वो हमारे लिए एडिट्स बनाते हैं, हमें हर एक प्रिसाइसली कि इस एक्सप्रेशन में ऐसा लगा. कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये चीज़ जो गलत है भाई गलत है. एंड आई अग्री विद, एंड आई एक्सेप्ट इट विद अगर थोड़े डिसेंट वे में बोला जाए. बट कुछ लोग होते हैं जो खतरनाक तरीके से हेट भी दिखाते हैं. कोई बात नहीं, आप जिसके लिए शो देख रहे हो आप देखते रहो, बस शो देखते रहो यार. मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ कीप ऑल द फीडबैक्स कमिंग, अच्छी बुरी सब कुछ, आई अप्रिशिएट दैट ऑल. और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट आप लोग को अच्छे से एंटरटेन करूँ. थैंक यू गाइज़.